अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपके सामने खिदमत में आपकी एक और बार हाजिर हूँ एक स्पेशल प्रॉब्लम के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ। और आप अंडरस्टैंड कीजिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम, यू नो जी एडवांस में एक बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। व्हाट दिस क्वेश्चन सिंपली स्टेट्स, ये क्वेश्चन बेटे इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट्स 2D मोशन, और इसमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। मैं बार बार बेटे आपको बोलता हूँ, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, डायग्राम बनाइए, अच्छी सी प्यारी सी डायग्राम बनाइए, एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ अगर आप देखोगे मेरे बेटे, व्हाट दिस क्वेश्चन स्टेट्स, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देयर आर टू पार्टिकल्स आर एक्चुअली मूविंग, two particles are moving in a uniform gravitational field mere bete aapka kya hai constant with acceleration due to gravity g, aapki jo g hai acceleration due to gravity that is constant at initial moment, initially dono particles jo hai wo ek hi point par mere bete located hai। उसके बाद ये चल रहे हैं दोनों पार्टिकल्स, एक की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, ओके, दूसरे की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। इनको हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, मगर सेम डायरेक्शन से प्रोजेक्ट किया है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से ऑपोजिट। हमको बताना है इनके बीच में सेपरेशन, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमको सेपरेशन पूछा था, इसमें भी डिस्टेंस पूछता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में। जब ओहो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ये पॉइंट समझिएगा वरना स्टूडेंट के तोते उड़ सकते हैं। So when their velocity vectors are mutually perpendicular to each other, so how can I, you know, tackle this question? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटे? अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स है मेरा बच्चा, दोनों पार्टिकल्स को हम चला रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट, इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको मैं क्लास में अम बोलता हूँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद यहां पर दोनों वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से दी गई है, हमको बोलना है आप बताइए कितनी सेपरेशन होगी इन दो पार्टिकल्स के बीच में, जब ऑपोजिट फेंका तो उनके बीच में सेपरेशन तो होगी, उस टाइम पे बताइए जहां पर इन दोनों की वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होगी। सो हाउ कैन आई डू दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड कीजिए बेटे, प्यारी सी डायग्राम एक पहले बनाएंगे। देखो बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास बेटे दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल को मैं सपोज ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, एक पार्टिकल को मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं विद वेलोसिटी कितना रखूंगा बेटे, उसको मैं रखूंगा u1, और दूसरे पार्टिकल को ऑपोजिट डायरेक्शन से, लेट्स चेंज द कलर, दूसरे पार्टिकल को इसी पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन से प्रोजेक्ट कर रहा हूं विद वेलोसिटी u2, ओके, उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं विद वेलोसिटी u2, सही है बेटा, एक को u1 एक को u2। अब आपको बताइए यहां पर अगर आप देखोगे, इफ दिस इज सम हाइट अबव ग्राउंड लेवल, इनकी ग्राउंड से कोई हाइट होगी, दिस इज माय ग्राउंड लेवल, अगर मैं इसको रखूंगा बेटे यहां ऐसे बनाऊंगा, दिस विल बी माय ग्राउंड लेवल, ये रेफरेंस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है ना। तो बताइए इसका पाथ जो है वो कैसा होगा, पैराबोलिक, इसका पाथ भी जो है मेरे बेटे वो क्या होगा, पैराबोलिक, इट विल बी पैराबोलिक डाउनवर्ड्स, इट विल बी डिपिंग। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से सबको बताई है कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है, वर्टिकल डायरेक्शन से दोनों पार्टिकल्स की जो एक्सेलरेशन है, यहां दूसरा पार्टिकल है, दिस इज पार्टिकल 1 एंड दिस इज पार्टिकल 2, दोनों पार्टिकल्स की वर्टिकल डायरेक्शन से एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी। आप बताइए आफ्टर सम टाइम, अगर मेरे बेटे यहां पर मैं देखूं आफ्टर सम टाइम इस पॉइंट पर, हमने क्लास में कितनी बार मैंने आपको बोला है, अगर आपको कोई भी ट्रेजेक्ट्री होगी, अगर देखना होगा बेटे पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी भी पॉइंट पर ट्रेजेक्ट्री में कहां से होती है, आप ट्रेजेक्ट्री को उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालोगे। हाँ सर, परपेंडिकुलर कैसे, आप ट्रेजेक्ट्री को उस पॉइंट पर टेंजेंट डालोगे, आप ट्रेजेक्ट्री को उस पॉइंट पर टेंजेंट डालोगे, ठीक है, वो ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, फिर वो जो आप टेंजेंट डालोगे वो कर्व को जो है एक पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है, मगर उस पॉइंट पर आपको टैंजेंट डालना है, परपेंडिकुलर नहीं डालना। तो यहां पर अगर आप देखोगे वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट पर। तो अगर मैं आपको यहां पर बता दूं मेरे बेटे, इस पॉइंट पर वेलोसिटी पार्टिकल की v1 होगी ऐसे, और यहां से भी पार्टिकल की आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी होगी v2 ऐसे, बिकॉज सर ने बोला वेलोसिटी टैंजेंशियल है। अगर आप देखोगे इन वेलोसिटी वेक्टर्स को अगर मैं पीछे से स्ट्रेच करते जाऊं, हां सर, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूंगा बेटे, मैं लिखूंगा लेट टी बी द टाइम, लेट एक टी एक ऐसा टाइम होगा वेयर
वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेलोसिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कौन सी वेलोसिटीज होंगी? इनिशियल तो नहीं होंगी क्योंकि इनिशियल सर एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये वेलोसिटी होंगी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, जरा बताइए आफ्टर टाइम टी दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी? मैं लिखूंगा फॉर पार्टिकल वन, पार्टिकल वन के लिए क्या लिखना चाहिए मुझे बेटे? फाइनल वेलोसिटी होगा आफ्टर टाइम टी, वो होगा यू वन आई कैप प्लस जी टी माइनस जे कैप। यहां से हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यहां से वर्टिकल। सिमिलरली फॉर पार्टिकल टू, शाबाश मेरे बेटे, अरे बात तो करो मेरे बेटे, शाबाश, तोते नहीं उड़ने चाहिए। v2 इज इक्वल टू u2, मगर कहां से? माइंड्स आई, ब्रिलियंट। उसके बाद प्लस gt माइनस j। एज क्वेश्चन स्पीक्स v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, तो क्या करूं क्या करूं सर? अगर वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होंगी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। दिस इज द क्रंच पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। So, अगर दो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होगी, आई कैन शो इट बाय अनदर मेथड, बट ये थोड़ा स्मार्ट सॉल्यूशन है। v1 विल बी परपेंडिकुलर टू v2, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ये कितना होगा मेरे बेटे? इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा। दिस मस्ट बी हाईलाइटेड। इनको जब डॉट करोगे, i को करना है i के साथ, वो आएगा u1 u2 i dot i is 1, it will be minus 1। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे बेटे? माइनस माइनस। अगर आप देखोगे j को j के साथ करना है, प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो कितना टाइम आया मेरा बच्चा? दैट इज u1 u2 डिवाइडेड बाय g स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। व्हाट शुड माय t विल बी? इट विल बी रूट ऑफ u1 u2 डिवाइडेड बाय g। ये मुझे वो टाइम है जब मेरे बेटे दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी। अब क्या है? अब मुझे निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बोलिए या रिलेटिव सेपरेशन बोलिए, डिस्टेंस या रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन बिटवीन बोथ पार्टिकल्स आफ्टर दिस टाइम इज गिवन बाय, मैं लिखूंगा डेल्टा एस। रिलेटिव सेपरेशन किसके बराबर होगा? देखिए बेटे, इनके बीच में यहां पर अगर वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो यहां पर इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा? डेल्टा एस। अगर मैं रिलेटिव सेपरेशन बताऊं, ये डेल्टा एस है, ठीक है। वर्टिकल हाइट मुझे कोई बताएगा? वर्टिकल हाइट इनकी सेम क्यों होगी? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन से ये दोनों फ्री फॉल है, या वर्टिकल डायरेक्शन से ये दोनों फ्री फॉल है, बिकॉज मैं प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कर रहा हूं। वर्टिकल डायरेक्शन से टी टाइम में सेम हाइट कवर करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफरेंट करेंगे, बिकॉज वेलोसिटीज आर डिफरेंट। तो ये डेल्टा एस किसके बराबर होगा? रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर है? दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट है, वो आएगा यू वन प्लस यू टू इनटू टाइम रूट ऑफ यू वन यू टू डिवाइडेड बाई जी। दिस इज माई आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था मेरा बेटा, कितना इजी क्वेश्चन था। अब क्या है? अब यू वन का वैल्यू डालिए, यू टू का वैल्यू डालिए और क्वेश्चन खत्म कीजिए। इनकी वेलोसिटी एक की थी 3 और दूसरे की क्या थी? 4। सो पुट इन द वैल्यू, गेट द आंसर। सो डेल्टा एस जो है बेटा वो आ जाएगा यू वन दैट इज 3, यस यू वन इज 3, यू टू इज 4, that is 3 plus 4 root of 3 into 4 divided by 10, it will be kitna mere bete? 7 square root of 4 is 2, 14 by 10 root of 3 meters, wo aayega 1.4 into 1.7 round about mere bete, it is most probably 2.8 meter will be your separation, it will be separation between the two particles which are moving in opposite directions, thrown horizontally from some height h, and their relative separation along horizontal direction will be there, but there won't be any relative separation in the vertical direction, because I know in vertical direction their motion is a case of free fall motion, their vertical displacement is same. Ab tension hai kuch? Asaan hai na? Irodo ke sawal hum kar rahe hain aur aapko fazool mein dar hota hai ki nahi sir physics tough hai, kuch tough nahi hai bete. मैं बार बार आपको बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट्स अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, यू विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू।